किसी ने सही कहा है, गाड़ियाँ एक ऐसा शौक है ना, अगर किसी को चढ़ गई ना तो वो कुछ भी नहीं सोचेगा, सिर्फ गाड़ियों के बारे में सोचेगा। तो अभी मैं आया हुआ मारुति के सर्विस सेंटर पे। मैं आया हुआ था यहाँ पे हेडलाइट्स के लिए, और जब मैं यहाँ पे आया तो उन्होंने बताया कि अभी अवेलेबल नहीं है। मैं आया था रायपुर का मेन मार्केट, और मेन मार्केट में मैं बहुत सारी दुकानों पे देखा कि मुझे चाहिए था मशीन की हेडलाइट। बहुत सारी दुकान पे मैंने सर्च करा, देखा, तो हर जगह पे अवेलेबल नहीं है। काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी टाइम से मैं मशीन के लिए हेडलाइट ढूंढ रहा हूँ। मैंने रायपुर के मेन मार्केट सर्च कर लिया, रायपुर के 2-3 शोरूम मैंने सर्च कर लिया, और 1-2 ऐसे लोकल मार्केट मैंने सर्च कर लिया, तो वहाँ का ऐसा है ना कि वो अभी अवेलेबल नहीं है। आजकल तो ऐसा हो गया ना कि एक बार लोग पूछ ही लेते हैं कि भैया आपका YouTube चैनल है, आप ब्लॉगर हो। कल रात में राजा भैया का मेरे पास फोन आया। राजा भैया ने बताया कि वो कल आ रहे हैं। ये बात सुन के मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हुआ। राजा भैया हमारे ब्लॉग में आने वाले दिनों में काफी बार आने वाले हैं। राजा भैया को पुराने लोग तो काफी अच्छे से जानते हैं, लेकिन नए लोग उन्हें नहीं जानते, तो मिल लीजिए। ये हमारे राजा भैया। बात ऐसी है कि आज सवेरे हम रायपुर से निकले करीब 6 बजे के आसपास। सबसे पहले हम पहुंचे भनपुरी। भनपुरी रायपुर से 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पे है, और हमें भूख लगी थी काफ़ी ज़ोर की। हम सोचे कि मतलब बगल में हम देखें कि इडली बड़े की दुकान है, तो सुबह के टाइम में सबसे अच्छा नाश्ता यही हो सकता है। हमने 50-55 किलोमीटर क्रॉस करा, और अभी हम पहुंच चुके हैं कटिया। कटिया मेरे लिए नया जगह है, और हम जा रहे हैं बेमित्रा। बेमित्रा का नाम मैंने काफ़ी बार सुना है, और ये तो उम्मीद थी कि मैं कभी ना कभी जाऊंगा, लेकिन आज ऐसा मौका बना है कि आज मैं बेमित्रा की ओर जा रहा हूँ। और अभी 10:30 बज रहे हैं, और हम हैं अभी बेमित्रा में। तो बेमित्रा में राजा भैया का कुछ काम था, और उनका काम हो रहा था तब तक मैं हमारी मशीन में बैठा हुआ था, और जैसे उनका काम चल ही रहा था वैसे मैं मशीन में बैठ के मैं आसपास के लोकेशन को देख रहा था कि ऐसे आसपास में ऐसे कोई लोकेशन है क्या जहाँ पे हम घूम सकते हैं। जितने भी लोकेशन मुझे दिखे वो 50 और 100 किलोमीटर के दूर के आसपास के दिखे, तो वो थोड़ा दूर लग रहा था, तो हमने सोचा कि अब इतना दूर तो नहीं जा सकते। और वहाँ के लोकल लोगों से भी मैंने पूछा कि ऐसा कोई जगह है जो आसपास में हो, तो उन्होंने भी बताया कि बेमित्रा के आसपास ऐसी जगह तो नहीं है, आपको 50 से 60 किलोमीटर और जाना पड़ेगा। तो फिर हमने सोचा कि उतना दूर जाना तो अभी सही नहीं रहेगा, तो राजा भैया ने डिसाइड करा कि हम चलेंगे अभी बिलासपुर के लिए। तो अभी हम रुके हुए बिलासपुर हाईवे में, रोड काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो हमने सोचा कि हम थोड़ा रुक जाते हैं और ये शूट कर लेते हैं। कुछ टाइम पहले तक यहाँ पे सिर्फ एक टोल प्लाजा हुआ करता था, कुछ साल हम इस रास्ते में नहीं आए, या फिर कुछ महीने, और अभी का ऐसा है कि ये दूसरा टोल हम क्रॉस कर रहे हैं। दूर से एक नाम दिख रहा था मुझे, चाइनीज में लेटर दिख रहा था, और यहाँ पे आए तो दिख रहा है चाइना बॉल, चाइना बॉल नाम की जगह है, तो हम अभी यहाँ पे हैं। कुछ कुछ चीज़ें मैंने पहली बार ट्राई करा, जैसे कि ड्रैगन चिकन, ये काफ़ी नया था मेरे लिए। मुझे लगा ड्रैगन नाम है तो वो काफ़ी ज़्यादा तीखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, वो काफ़ी सही था, मुझे पसंद आया। अगली बार जब भी आ रहा हूँगा मैं बिलासपुर, तो एक बार ज़रूर यहाँ आना चाहूँगा। तो बात ऐसी है कि हम आए हुए थे बिलासपुर, और बिलासपुर जब आए तो राजा भैया ने मुझे बताया था कि वो कहीं से हमारी मशीन के लिए हेडलाइट ढूंढ करके रखे हैं। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था ये चीज़ कराने का, लेकिन राजा भैया का ये चीज़ ढूंढ के रखे हुए थे,
और उन्होंने मुझे सडन बताया कि बिलासपुर जाना है, बिलासपुर जब हम पहुंचेंगे तो वहां पे हम हमारी मशीन के हेडलाइट्स चेंज कराएंगे। जो बम्पर है वो खुली हुई है, पुरानी जो हेडलाइट्स थी उसे निकालेंगे, उसके बाद फिर नई हेडलाइट्स डालेंगे। तो नई अपडेट हो चुकी है और हमारी मशीन बहुत ज़्यादा बॉम लग रही है। अगर हम बिलासपुर की लैंग्वेज में कहें तो एकदम चकाचक लग रही है, क्योंकि हम बिलासपुर में है ना, तो चकाचक तो लगेगी ही लगेगी। तो अभी का सीन ऐसा है कि हम नाइट्रोजन ढूंढ रहे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन हमें हमारी मशीन में डलवाना है, उसके बाद फिर हमें वापस भी जाना है। हमने तो चाइनीज़ खा लिया, अब हमारी मशीन की बारी है। तो अभी हम मशीन में ईंधन डलवाएंगे और ईंधन डलवाने के बाद यहाँ से रायपुर की ओर जाएंगे। अभी हम बिलासपुर से जस्ट बिलासपुर हाईवे में ही निकले हुए हैं और यहाँ से करीब 100 या 150 किलोमीटर की दूरी में होगी रायपुर। तो हम रायपुर पहुँचते हैं, तब तक हम आप उस पर जाइए, मैं इस पर जाता हूँ। अरे एक बार चढ़ के तो देखिए, एक पैर इस पे, फिर एक पैर इस। कुछ घंटों की सफर के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने घर वापस रायपुर, और मुझे लगता है कि आज का व्लॉग मुझे यहीं पे खत्म करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये छोटी छोटी मॉडिफिकेशन है लेकिन बॉयज को काफी ज्यादा खुश करती है। बॉयज का क्या होता है ना, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार कर रहे होते हैं उसके लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं, और उन्हें कार्स, गाड़ी, मशीन, ये सब चीजें जो होती है ना वो ज्यादा पसंद आ रही होती है। तो जब भी उस पर कुछ भी कर रहे होते हैं, छोटे छोटे मॉडिफिकेशन भी कर रहे होते हैं, तो उनको दिल से खुशी मिलती है।